हम बात कर रहे हैं, वापस आते हैं। कौन सा टॉपिक? हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था, एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने पूरा कर लिया। किसका? कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक, मेटेलिक बॉन्ड। अब मेटेलिक बॉन्ड, कोवलेंट तो हमारे, आयनिक तो मैं वापस एक बार और बाद में लूंगा। अभी मेरा मेन चलेगा कॉन्सेप्ट्स, और वो चलेगा कोवलेंट बॉन्ड की थ्योरी। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर सबसे पहली थ्योरी आई कोवलेंट बॉन्ड को बताने की, रिप्रेजेंट करने की, और उसी को हम लिखेंगे। तो हेडिंग हमारा रहेगा रिप्रेजेंटेशन थ्योरी या बॉन्ड थ्योरी। आप हेडिंग डाल लीजिए, बेसिक सी बॉन्ड थ्योरी। तो लिख लीजिए आज बॉन्ड थ्योरी। हम कुछ चार तरह की थ्योरी हमारे सिलेबस में, लुइस, वीबीटी, वेस्पर्ट, एमओटी। इसके अलावा भी होती है, लेकिन अभी हम इन चारों को ही पढ़ेंगे। आगे बॉन्डिंग की और भी थ्योरी है, सीएफटी है, बहुत सारी आ रही है जो अलग अलग चैप्टर में आएगी। तो बॉन्ड थ्योरी हमारे लिए सबसे पहले आ रही है लुइस थ्योरी, लुइस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी। लुइस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी, समझे इसको कैसे वर्क कर रही है? लुइस डॉट स्ट्रक्चर थ्योरी शुरू से बोलता हूं मैं। हमारे को इस थ्योरी में जो चीजें बतानी है वो है, सबसे पहले एटम के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि उसकी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे को जो जनरल नॉलेज चाहिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम की जरूरत है। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम, और ये हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का मेन पॉइंट है, पढ़ चुके हैं, अच्छे से आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना। और ज्यादातर हम बॉन्ड्स किसके बता रहे हैं? सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के, तो उनका तो हमें रटा हुआ ही रहता है, सही है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट हमारे पास होता है लोन पेयर एंड बोन पेयर एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बताना, सही है। फॉर एग्जाम्पल आज हमारे पास ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हमें सिर्फ वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना होता है। बोलो यस और नो? तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक का बता रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन के लिए 2s2 2p3, क्या मैंने सही बोला है? इसको बोलेंगे लोन पेयर। ये सब बॉन्डिंग करेंगे, अगर कर लिया तो बॉन्ड पेयर, नहीं करा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन को जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे तो पता है कैसे करेंगे? ये तो लोन पेयर, आप चाहो तो ऐसे बना दो, आप चाहो तो इस तरह से बना दो, समझ में आ रही है? और फिर उसके बाद तीन बॉन्ड आपको बनाने की जरूरत पड़ेगी, ये अपने आप में बॉन्ड बताएंगे, कोवलेंट बॉन्ड। अगर ये एच के साथ है तो बहुत अच्छा है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और ये तो ये हमारे लिए हो गया अमोनिया मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल। हमसे पूछा जाता है इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बहुत आसानी से बता सकते हैं नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। शुरू करूं, थर्ड पॉइंट। तो इस थ्योरी में हमारा मेन टारगेट होता है नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बताना। तो हमारा एग्जांपल रहेगा फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। अब इसको ऐसे मत देखिए कि बहुत इजी है, इसमें कोई तरफ नहीं है, लेकिन आप ये देखिए इसके अंदर कि जब ये थ्योरी आई थी तब उस वक्त हम कितना जानते थे? कुछ भी नहीं जानते थे। हमें पहली बार किसी ने बताया कि बॉन्ड बनते हैं और शेयरिंग होती है और ऐसा कुछ होता है। लेकिन उससे पहले इसका एक थर्ड पॉइंट और है, ये थ्योरी किस पे बेसिस है? ऑक्टेट पे, क्योंकि जब ये पेयर हो जाएंगे तो पूरे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे वैलेंस शेल में? 8। तो जितने भी पेयर है
सॉरी अनपेयर्ड है, वो पेयर्ड हो जाएंगे, और जो पेयर्ड है उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। कभी भी थ्योरी, कोई भी थ्योरी, इसके बाद वाली पहले वाली, कभी भी एक ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन नहीं रखेगी, ये बात तय है। यानी दुनिया में कोई भी रूल टूट जाए केमिस्ट्री का, लेकिन पाउली का रूल टूटेगा नहीं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? दो। समझ में आ रहा है? सब टूट सकते हैं लेकिन पाउली नहीं टूटेगा। इज दैट क्लियर? तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। यानी हम ऑक्टेट रूल को जितना ज्यादा फॉलो कराने की कोशिश करेंगे हम करा पाएंगे, हमारे लिए सही रहेगा। तो हमारे लिए पहला एग्जाम्पल लिया गया, हमने बहुत इजी ले लिया, हमसे कहा गया आप SO2 बताएं, बहुत इजी था SO2 बताना इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। सल्फर, समझना, सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने है? ये बनाना गलत हो गया। क्यों? क्यों? क्योंकि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? छह। तो दो ही बॉन्ड बना सकता था पक्का, हमने कितने बना दिए? चार। तो ये गलत है। तो सही क्या है? क्या ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता था? हाँ, ये सही है। क्या ये सही है? सल्फर पे प्लस लगा दो और ऑक्सीजन पे माइनस, बिल्कुल ये भी सही है, बस ये गलत है। तो लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग हाउ मेनी, अगर हमसे पूछा जाए हाउ मेनी बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आर प्रेजेंट, तो आपसे यही पूछा है, नंबर ऑफ लोन पेयर, फाइंड नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल बाय लुईस थ्योरी। तो भिड़ते ही पहला क्वेश्चन आप गलत कर देते, अब आप सही करेंगे, बताइए। आप किसी से भी आंसर दें सेम ही जाएगा, ये बात तो तय है। तो बताइए लोन पेयर कितने दिख रहे हैं आपको? इस ऑक्सीजन पे कितने दिख रहे हैं आप? आपको दो, तो टू प्लस सल्फर, ये यहां पर क्या बन चुका है? नाइट्रोजन, तीन वैलेंसी के साथ, नाइट्रोजन नहीं फास्फोरस बोल दो, बात एक ही है, नाइट्रोजन ग्रुप का फास्फोरस। तो तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो यानी वन प्लस ऑक्सीजन क्या बन चुका है नेगेटिव चार्ज के बाद? फ्लोरीन, तीन। तो तीन दो पांच और एक छह, और बॉन्ड पेयर कितने होंगे? तीन। आप क्या लिखते हैं बॉन्ड पेयर? चार। बढ़ते ही गलत, वो लुईस के अकॉर्डिंग गलत है, वीबीटी आगे जो थ्योरी पढ़ेंगे वीबीटी उसके अकॉर्डिंग सही है। अगर वो कुछ भी नहीं देता तो हम हमेशा मॉडर्न थ्योरी लगाते हैं यानी वीबीटी, लेकिन उसने लिखा है लुईस तो हम पुरानी थ्योरी ही लगाएंगे, जो बोला है वो ही लगाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन, आप समझ गए लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्टेट फॉलो करना जरूरी है हमारे लिए। सेकंड, बिल्कुल। अब देखो ना ऑक्टेट पूरा है सबका, क्या उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता? एक्सपांशन हो जाता, चार इलेक्ट्रॉन आती, समझ में आ रहा है? तो वो ऑक्टेट के अकॉर्डिंग गलत है। सेकंड एग्जांपल लिखते जाए, बहुत सारे पॉइंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। H2SO4 सल्फर OH OH, ये बनेगा अब आपका, क्योंकि आपकी सल्फर की वैलेंसी दो से ज्यादा नहीं हो सकती, तो बाकी के क्या बनाएगा वो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। या तो आप इससे आंसर दें, वही आएगा जो इससे दें, दोनों से सेम आंसर आता है। डोनर एटम पे प्लस, एक्सेप्टर पे माइनस। अब बताइए लोन पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? दो इसके ऊपर, दो इसके ऊपर, चार। इसके जो दो लोन पेयर थे वो तो गए, पांच छह सात आठ नौ दस, सही है? दो दो चार, पांच छह सात आठ नौ दस। और बॉन्ड पेयर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? एक दो तीन चार पांच छह, समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? नेगेटिव मतलब फ्लोरीन बन चुका है, तो ऑक्सीजन फ्लोरीन होता है, एक वैलेंसी, तीन बॉन्ड लोन पेयर।
थोड़ा सा लॉजिक को समझे। थर्ड, अगर आपसे ओजोन में पूछा जाए तो ये प्लस और ये माइनस, इसके पास एक लोन पेयर, तो 2, 3, 4, 5, 6 लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 6। और बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, जल्दी से बोलो आप, बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे आपके पास? 3। करते जाएं आप। ये आया हुआ क्वेश्चन है, बताइए कितने लोन पेयर हैं? हर नाइट्रोजन पे 1, 2, 3, 4, तो 4 तो लोन पेयर हैं, दिख ही रहे हैं, इसके अलावा और कहीं दिखेंगे आपको? नहीं। समझ में आ रहा है? और बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं आपको? 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, 16, कोई दिक्कत? तो ये आए हुए क्वेश्चन है जो हमारे को लुइस ने बताने की कोशिश करी। यानी लुइस ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि आपके पास जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड होना चाहते हैं, जिसे ऑक्टेट कंप्लीट हो, और कुछ इस तरह का कंपाउंड बने कि ज्यादा ज्यादा एलिमेंट्स के ऑक्टेट भरे हुए रहे, मतलब ऑक्टेट पूरे रहे, ये हमारे पास था। ओके, यस और नो, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? हटा दूं मैं, और भी चाहे तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एक दो और एग्जाम्पल। CO2, कार्बन की कितनी वैलेंसी होगी? 4। क्यों 4 क्यों होगी भाई? कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये, 2 अनपेयर्ड होते हैं, लेकिन अगर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो कार्बन के साथ ये है कि हमेशा वो एक्साइटेड स्टेट में ही बॉन्डिंग करता है, बिल्कुल हमेशा एक्साइटेड स्टेट में, पक्का, यानी कि टेट्रा वैलेंट बनेगा, बिल्कुल सही है, टेट्रा वैलेंट। और अब आप बताइए कि इसके पास कितने लोन पेयर है? लोन पेयर 4, और बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 4। इज दैट क्लियर? हमारा अगला पॉइंट है कि क्या होगा जब एक से ज्यादा सेंटर एटम हो तो हम कैसे सोचेंगे? सोचेंगे क्या? थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए इंफॉर्मेशन हो तो ज्यादा अच्छा आंसर होता है। इज दैट क्लियर? तो इंफॉर्मेशन, हम एक काम करते हैं, हमारे पूरे सिलेबस में लगभग 60 के समथिंग इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, हम वो सभी कर लेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पक्का, मैं आपको शीट दे दूंगा और करा दूंगा क्लास में, लेकिन कुछ बेसिक एग्जाम्पल तो आपको मालूम ही होने चाहिए, जैसे P4। P4 इस तरह का होता है, फास्फोरस 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 से P4। कितने बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं इसके अंदर आपको? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ये पूरा एक है पीछे में, तो बॉन्ड पेयर कितने? 6। और लोन पेयर कितने दिख रहे हैं? 4। हर एक फास्फोरस पे, पक्का, अगर आपसे P4O6 के लिए पूछा जाए तो ऑक्सीजन आ जाएगा बीच में हर जगह, तो बताइए अब आपके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं? हर एक
फास्फोरस है 1 2 3 और चार फास्फोरस है, 4 3 12 और लोन पेयर 4। और अगर P4O10 आ जाए, P4O10 आ जाए, अरे वाह ये तो भूल ही गए आप, तो 4+ हर कितनी ऑक्सीजन है, 6 6 12 16। छोटी सी गलती बड़ी हो जाती है, आ रही है बात समझ में, हाँ या ना, पकड़ना सीखो। ओके P4O10 के अंदर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर आप बताएंगे, सही बताने वाले को चॉकलेट इनाम है। टाइम लिमिट 30 सेकेंड्स। कितने बॉन्ड पेयर हैं, कितने लोन पेयर हैं, बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं आप बताओ, P4O10 में बॉन्ड पेयर कितने हैं, एक आंसर, टाइम खत्म हो रहा है। और लोन पेयर, चलिए मैं ही बना देता हूं, ये तो P4O6 का पक्का। अब आपको यहां मजबूरी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने डबल बॉन्ड बता दिया तो फिर आपके फास्फोरस की वैलेंसी बढ़ जाएगी, 5 5 होती दिक्कत है, 5 दे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़ेगा इस जगह। क्यों, क्योंकि आप कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं, लुईस थ्योरी, पक्का। अब बताइए कितने बॉन्ड दिखेंगे, हर एक फास्फोरस से 4 है तो बॉन्ड पेयर तो आपको दिखते ही बता देना चाहिए था, कितना, 4 चौक 16, 20 बताने वाले डबल बॉन्ड लगा रहे होंगे यहां पर, और आप लुईस थ्योरी भूल गए, लुईस ही तो पढ़ रहे हैं अभी, अपन ने पढ़ा ही क्या है, पक्का। दूसरा लोन पेयर कितने होंगे, जितनी भी बीच वाली ऑक्सीजन है उन सब पे कितने होंगे, 2। तो लोन पेयर अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय कितनी ऑक्सीजन है, 6। बाकी की कॉर्नर वाली जितनी भी ऑक्सीजन है कितनी है, वो 4, उनमें कितने हैं, 3, तो 4 3 12, तो आपको क्या लग रहा है, चॉइस, इज दैट क्लियर। तो आंसर एक तुम्हारा सही था, एक गलत, कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी अब, ठीक है पूरा से। तो ये अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है और आपसे गलती करवाई जा सकती है। जल्दी लिखें इसको, हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर कर लिया लेकिन इसकी लिमिटेशन थी, तो हेडिंग क्या रहेगा, लिमिटेशंस ऑफ लुईस थ्योरी। क्या और प्रैक्टिस की जरूरत है लुईस पे, नहीं हम नहीं कर रहे, हम VBT करने के बाद प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है, तो मैं वो VBT में ही बताऊंगा आपको, VBT बेटर थ्योरी है स्ट्रक्चर बताने के लिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले VBT थ्योरी, तो हेडिंग डाल लीजिए, पहले लिमिटेशन डाल लो, क्योंकि ये सबकी स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहा था, लिमिटेशंस ऑफ लेविस थ्योरी। सबसे पहला तो क्या दिक्कत थी, दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड इन विच ऑक्टेट रूल इज नॉट अप्लाइंग या अप्लाइड। तो ये हमारे लिए पॉइंट था कि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिसके अंदर हमारा ऑक्टेट नहीं लग रहा था, तो जैसे एग्जाम्पल, तो दिस थ्योरी कैन नॉट एक्स दिस थ्योरी नॉट एक्सप्लेन, डायरेक्टली लिख लीजिए, नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड।
मेरा पहला कंपाउंड था SF6। मैंने कहा VBT से आप बताओ इसका। VBT ने कहा सल्फर है। मैंने कहा ठीक है सल्फर है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। SF2 तो मैं बता सकता था क्योंकि सल्फर की वैलेंसी कितनी थी, दो। अब सल्फर की कितनी वैलेंसी हो गई, छह हो गई। तो ये थ्योरी उनके लिए नहीं बदला पा रही थी कि कैसे हुई। इस हिसाब से इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सल्फर एटम, सल्फर एटम कितने बन गए, 6 × 2 = 12। दिख ही रहे हैं, लोन पेयर नहीं है आप उसके पास, लेकिन यानी उसके 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि लुईस कहता था कि लोन पेयर नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हम समझा नहीं सकते थे। आ रही है बात समझ में? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो रही थी कि कैसे इसको समझाएं हम। SF4, तो ऐसे बहुत सारे लिस्ट आ गई। SF4 जीनोन तो बना ही नहीं सकता था। XCF2 कैसे बन गया, XCF4, यानी जीनोन के तो बहुत सारे कंपाउंड है। XCO3 कैसे बन रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा था लुईस को, लेकिन बनते जा रहे थे। PCl5, SO2Cl2, दुनिया में हजारों कंपाउंड्स ऐसे आ गए जो नहीं बता पा रहे थे। समझ में आ रही है बात? और इसके अलावा कुछ ऐसे भी कंपाउंड थे जिसमें ऑक्टेट रूल से कम इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे BeCl2, BF3, AlCl3। कैसे बन रहे बोलना मुश्किल था उसके लिए। फाइनली हमने कंपाउंड्स को तीन तरह से डिवाइड कर दिया, एक ऑक्टेट जो इजीली दिख रहे थे जैसे H2O, CH4, NH3। एक हमने लिया फिर हाइपर वैलेंट, हाइपर वैलेंट जिसके अंदर ये सारे आ रहे थे जिनके अंदर ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन एटम इज ग्रेटर देन 8। यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8। इसके एग्जाम्पल क्या थे, बहुत सारे थे। SF6, SF4, XCF2, जीनोन के तो सारे कंपाउंड, XCF4, XCO3, PCl5, IF7, IF5, मतलब इतने कंपाउंड्स ऐसे आ गए जिनमें ऑक्टेट नहीं लग रहा था। एक दो होते तो हम एक्सेप्शन भी बोल देते, लेकिन लिमिट ही पार कर गए। और एक होता है हाइपर का मतलब हमेशा ज्यादा होता है, और एक होता है हाइपोवलेंट, हाइपोवलेंट यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, लेस देन 8, जैसे BeCl2, BF3, AlCl3। बहुत सारे हमारे पास कंपाउंड, इज दैट क्लियर? नहीं है, ऑक्टेट के लिए वेरिएबल है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स में भी नहीं है जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज थे। ऑड का मतलब उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 5 इस तरह से थे। वैसे तो मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन्स वाली स्पीशीज बहुत आती हमारी, तो ना 6 ना 8, तो हमारे लिए ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज को भी नहीं समझा सकता था। तो हमारे लिए ये क्या हो गया, दिस थ्योरी नॉट एक्सप्लेन द ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल एनओ, अब आप सोचो एनओ को ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कैसे कहेंगे। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी वैलेंसी कितनी है, 2। नाइट्रोजन की कितनी है, 3।
तो उसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बच रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इसको बाद में हम ऐसे समझाने लग गए कि एक दो तीन, तीन इलेक्ट्रॉन एक साथ, समझ में आ रही है बात। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, हमें नहीं मालूम कौन सी सही है, लेकिन ये बात तो पता चल गई कि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने रह जाएंगे, सात, नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे कितने रहेंगे, आठ, क्योंकि कितने हो जाएंगे, एक लोन पेयर तो है ही, दो दो चार दो छह और एक सात, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम कितने, सेवन, ऑक्सीजन पे तो आठ है, दिख ही रहा है, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, तो टोटल पेयर कितने, चार, चार का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, आठ। तो दिक्कत यह है कि हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या नाम दें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और क्या नाम दोगे, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिले, ये तो हमारे लिए फर्स्ट एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल आया हमारे पास सीएल, सीएल से नहीं, मैं ले रहा हूं एन ओ टू, ये भी हमारे लिए ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आ गया। कैसे, अभी भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रही है बात। तो ये सब हमारे लिए क्या हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, बोलो यस और नो। एक एग्जांपल तो हद ही कर ली हमारे, कैसे, सी एल ओ टू, समझना, सी एल अगर हम सी एल ओ टू को बना भी रहे तो हमारे हद ऐसी हो रही है कि ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी है, दो, और सीएल की कितनी है, एक है, सीएल से ऑक्सीजन डबल वैलेंसी से जुड़ना चाहती है, पहली चीज। और दूसरी चीज, एक और ऑक्सीजन है उसको भी डबल से जोड़ दो, आप करोगे क्या, और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रखोगे आप, अनपेयर्ड अभी भी है क्योंकि क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात है, ये बनेगा। अब इसने क्या खराबी करी है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हो गई, चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, दो दो चार दो छः दो आठ नौ दस, 11 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आठ से ज्यादा और वो भी ऑड में, समझ में आ रहा है, ऑक्टेट रूल भी ब्रेक कर रही है। आप कह सकते हैं सर हम इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बताएं, तो ठीक है बता दो, लेकिन दोनों को तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से नहीं बताओगे आप, या तो आप ऐसे बताने की कोशिश करोगे, ये लो कोऑर्डिनेट, ये भी लो कोऑर्डिनेट, और अभी भी उसके पास एक लोन पेयर है ये, और एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी जो मेन वैलेंसी है वो तो अभी भी रह गई, तो दोनों ही कंडीशन में हमारे लिए ये क्या रहेगा, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। क्लोरीन में कितने लोन पेयर होते हैं, तीन, एक उसका खुद का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अभी भी अनपेयर्ड है। लुईस ने कहा ऐसे समझाने की कोशिश करो तब भी दिक्कत, ऐसे समझाने की कोशिश करो तब भी दिक्कत, तो ये तो हमारे लिए आगे भी दिक्कत करेगी स्ट्रक्चर, ये बनना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करता है। हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या लग रहा है, गलती नहीं है, ऑड इलेक्ट्रॉन दिखना ही अपने आप में गलती है, हाँ एक दिख रहा है, तो टोटल अगर इस अकॉर्डिंग में बताओगे आप, तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बताओगे आप, सात, ऐसे बताओगे तो कितना होगा, 11, दो दो चार दो छः दो आठ नौ दस और एक 11, तो वीबीटी के अकॉर्डिंग जब आप आगे पढ़ोगे तो 11 बोलोगे, और लुईस के अकॉर्डिंग बोलोगे तो कितने बोलोगे, सात, तो लुईस के अकॉर्डिंग तो आपके लिए आंसर सात होगा, लिखना ये लुईस के अकॉर्डिंग सात है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसने कह दिया लोन पेयर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, समझ में आ रही है बात। तो अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि यार कि थ्योरी से अच्छी थ्योरी और चाहिए, लेकिन उस समय तक तो इससे अच्छी थ्योरी नहीं थी क्योंकि पहली बार किसी थ्योरी ने बॉन्ड्स को बताया हमारे को, हमें बताया मॉलिक्यूल नाम की कोई चीज होती है, नहीं तो हम तो सबको एटम ही मानते थे।
हमें पहली बार बताया कि इतनी तरह के अरेंजमेंट होते हैं, एटम्स एक दूसरे से अटैच कैसे होते हैं। ठीक है, हम तो इसको शाबाशी दे दिया और अच्छा लगा कि आपने हमें बॉन्ड के बारे में बताया, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन दूसरी लिमिट थ्योरी क्या है इसका, एक्सेप्शन। इसने डबल बॉन्ड के बारे में और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में तो हमें जानकारी दी, लेकिन सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में नहीं बताया। दिस थ्योरी नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। लिख लो, दिस थ्योरी नॉट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इसने सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में नहीं बताया, तो मत बताने दो। सही है, थर्ड, दिस थ्योरी नॉट कमेंट ऑन मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल प्रॉपरली, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों पे ही अच्छे से नहीं बता पा रही थी। दिस थ्योरी नॉट एक्सप्लेन, नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन, क्या नहीं कर पा रही एक्सप्लेन। फर्स्ट मैग्नेटिक नेचर, सेकंड डायपोल मोमेंट, थर्ड कलर ऑफ कंपाउंड, फोर्थ थर्मल एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी, फाइव सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिक्स स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, स्ट्रक्चर ऑब्लिक शेप। ये सब चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी था और हमें समझ में आ गया, ये थ्योरी सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही है और हमें बहुत सारा काम दे दिया इसने, समझ में आ रहा है। तो ये इसके सारे ड्रॉबैक्स और हो गए, तो चलिए ठीक है, ऐसे तो मैं लिस्ट बना दूंगा बहुत सारे ड्रॉबैक की, लेकिन हम हर चीज़ में पॉजिटिव देखने की आदत है। इस थ्योरी ने पहली बार आपको बॉन्डिंग के बारे में नॉलेज दी, आप पॉजिटिव सोचो। ठीक है, तो अगली थ्योरी कौन सी आ रही है, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको समझ में आ गया कि ऑक्टेट का एक्सपांशन होता है, तो ये इसी बात को लेके चलने लगी कि सबसे पहले इसने दिमाग में यही लाया कि हम ऑक्टेट रूल को एक्सपांशन कर लेंगे, जिससे हमारे को ये नहीं कहा जाए कि ऑक्टेट रूल को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, तो हेडिंग डालेगा वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, डाल दीजिए आप हेडिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वीबीटी हम इसको बोलेंगे। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लिखो जल्दी से इसको।